क्यों ढक रही हो? ये गिर रहा है, थोड़ा हटाओ ना। अच्छा, आपको हमारी याद नहीं आती है क्या? बताइए। नहीं नहीं, आई थी खेत देखने के लिए, तो जो आप चले आइए। सच करें, मुझे नहीं रुपया चाहिए, नहीं पैसा चाहिए। अरे आप आइए हमारे पास। कितना? मेरा भी जवानी है, मैं भी अभी जवान हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर इधर उधर हो जाएगा तो आपकी इज्जत चली जाएगी। अच्छा, तुमको वो चाहिए? हाँ। उसके लिए परेशान हो? पैसा नहीं चाहिए? नहीं, रुपया पैसा नहीं चाहिए। जेवर नहीं चाहिए? कपड़ा नहीं चाहिए? नहीं, आप आ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, व्यवस्था बनाता हूँ। जल्दी आइए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आपको बहुत याद सताती है, जब भी सेज पर सोना चाहती हूँ तो सेज मुझे काटने को धोती है। फोन रख दी ना। तुम अरे, कौन हो? अरे कोई भी हूँ, फोन रख दी ना। फोन तो रख दी, आप कौन है? ये कह रहा हूँ ना कि कोई भी हूँ, तुम एक औरत हो और मैं एक मर्द हूँ। बात समझ में आ गया? हाँ, तो दूर से दूर बैठिए, दूर से बात कीजिए। और यही सब कहा जाता है ना कि औरत जो होती है ना, वो का कहें कि इच्छा रहता है प्यार करने का, उसके बाद भी ना 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 करती है, नहीं नहीं करके टाल देती है, ठीक ना? हाँ। जो तुम फोन में बात कर रही थी ना, अच्छा, उस सब मैं पीछे से खड़ा होकर तुम्हारा बात सुन लिया हूँ, और तुमको जो चाहिए ना वो मुझे भी चाहिए, समझ रही हो? तुमको मतलब प्यार चाहिए ना? हाँ, तो हटिए, मेरे पास मेरे पति आने वाले हैं। आप कौन हैं मुझे प्यार देने वाले? अरे, अपने अपने पति से बात कर रही थी। मैं किसी से बात करूँ? ओ, इतना क्यों मतलब गुस्सा टाइप बोल रही हो? मैं इतना प्यार से तुमसे बात मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं, तो आप क्यों नहीं बोलूँगी? देखो ना, ये जो तुम्हारा खेत है ना, इसी खेत के इस वाले बगल में, उत्तर वाले बगल में जो गांव है, वहीं हमारा भी घर है, और तुम्हारे खेत के दो खेत बाद मेरा खेत है। मैं आता हूँ इधर ना, तो खेत में जाइए। ओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ, मगर तुम्हारा बात सुना हूँ ना, तो सोचा हूँ कि थोड़ा तुम मतलब प्यार के लिए परेशान हो ना, और मैं भी सोचा हूँ कि मेरा भी काम बन जाता। या जी, तुम तो या इधर कोई देख थोड़े रहा है, देख रही हो? कोई है? अब क्या चाहते हैं हमसे? मैं वही चाहता हूँ ना कि तुम्हारा पति बाहर वहर रहता है ना। हाँ, दुबई रहते हैं। सुनो ना, मतलब इधर कोई देखेगा नहीं, तुम चाहोगी ना, तो मतलब जो परेशानी तुम्हारा है वही परेशानी हमारा है। तो आपका शादी नहीं हुआ क्या? ए, शादी हुआ है, लेकिन वो कहा है ना कि हमारी औरत पेट से है। हाँ, तो हमको जो है कि ये सब प्यार किए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, और तुम्हारा बात सुना हूँ तो हमको मतलब तुम्हें देख कर तुरा हमको वो हो रहा है, ठीक ना? तो मतलब तुम यदि गलत ना मानो ना कि तुम भी वही चाहती हो, मैं भी वही चाहता हूँ, कि कोई जानेगा नहीं, देखो कोई नहीं जानेगा। तुम इतना गुस्सा मत दिखाओ, इतना सुंदर तुम्हारा शरीर है, इतना सुंदर चेहरा है, ये सब जवानी क्या बर्बाद करोगे? मेरा बात मानो ना, समझ रही हो? नहीं, आप किसी से कह देंगे तो? अरे मैं किसी से नहीं बोलूँगा, किसी से नहीं बोलूँगा। ऐसे कहते हैं लोग, आते हैं और मजा मारने के बाद। अरे यार, देखो ना, आज तक ना, आज तक जितना भी मैं प्यार किया हूँ जितने लोगों से ना, सिर्फ मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं, उसके बाद कोई नहीं। अरे क्यों ढक रही हो? ये गिर रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा हटाओ ना, अच्छा लग रहा है। अरे फिर वही बात, तो इसका मतलब नहीं मानोगे? बात कीजिए, खाली मुँह से बात कीजिए, कुछ छुइए मत छुइए, और फंके रहिए। ये बताओ, मैं अपने पति की, मैं पति सावित्री हूँ। ओह, सती सावित्री कहा है कि तुम्हारा पति यहाँ देख थोड़े रहा है, कोई देख थोड़े रहा है? आप ही कह देंगे किसी से? मैं किसी से नहीं बोलूँगा, तुम मतलब जो चाहती हो ना, अरे तुम चाहो ना तो तुम्हारा पति पैसा भी कमाएगा, और तुम्हारा जो मतलब भूख है ना जवानी का, वो भी हम पूरा करते रहेंगे,
समझी बात को? हाँ मान गई। औरत जो होती है ना बहुत लेट से मानती है, ठीक ना? तो काम है ना, यहाँ पे नहीं यहाँ पे पति में ना कोई कहीं ना कहीं से देख लेगा। एक काम है ना, चलो हम लोग जो झाड़ी है ना उसी की आड़ में चलो, वहाँ पर ना कई लोगों से कई बार मैं प्यार कर चुका, आज तुमको ऐसा प्यार करूँगा ना कि तुम अपने पति को भूल ही जाओ, ठीक है? चलो।